हेलो 10th क्लास बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी घरों में होंगे। तो प्लीज़ बच्चों, इस टाइम में आपको घर से बाहर निकलना बिल्कुल गलत है, इसीलिए जितना हो सके घर में ही रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कीजिए, अपना हैंड वॉश कीजिए, अपना जिस जगह आप रह रहे हो उस एरिया को क्लीन रखिए, हाइजीन रखिए, प्रिकॉशंस लीजिए। अगर आपको सर्दी जुकाम है तो दवाइयाँ लीजिए, पर प्लीज़ अपना सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर मेंटेन करके रखिए और बेवजह बाहर ना घूमें। इस संकट के समय में आपको अपनी न केवल परिवार के प्रति पारिवारिक जिम्मेदारियाँ निभानी है, बल्कि एक देश के प्रति, एक भारतीय होने के नाते आपको अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी निभानी है, क्योंकि घर से बाहर निकाला एक कदम भी पूरे देश को संकट में डाल सकता है। सो प्लीज़ बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, घर पर ही रहिए। सो आज आपके पास को ये जो टाइम है, आपके पास जो छुट्टियाँ चल रही हैं ये लॉकडाउन की, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझिए इन्हें। आप 10th क्लास में हो, बोर्ड के एग्ज़ाम्स आपको कर देने होते हैं, तो आप इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए वेस्ट ना करके, अपना पढ़ाई कीजिए प्रॉपर तरीके से। तो शुरू करते हैं बच्चों 7th चैप्टर सिविक्स का, जिसका नाम है लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें? अब लोकतंत्र का रिजल्ट्स क्या निकलते हैं, उनके परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि हम लोकतंत्र की तानाशाही शासन व्यवस्था से तुलना करें तो लोकतंत्र व्यवस्था सबसे बेहतर है, क्योंकि ये नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाती है तथा इसमें गलतियों को सुधारने की भी गुंजाइश होती है। अधिकांश लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को ज़्यादा पसंद करते हैं, हालांकि कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं जो लोकतांत्रिक शासन के कामकाज से संतुष्ट नहीं होते हैं, वो लोग सैद्धांतिक रूप से लोकतंत्र को अच्छा नहीं मानते। हालांकि वो लोगों का मानना है कि सैद्धांतिक रूप से तो लोकतंत्र अच्छा है, परंतु जब प्रैक्टिकली इसका काम करने का टाइम होता है तो उतना अच्छा रिजल्ट ये नहीं दे पाता है। तो इसीलिए सैद्धांतिक रूप से तो लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है, किंतु प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से इसे अच्छा नहीं माना जाता। लोगों को ये समझना होगा कि लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी भी नहीं है। नागरिकों को ही स्थितियों का लाभ उठाकर अपने लक्ष्यों को हासिल करना होता है, क्योंकि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक लोकतंत्र की विफलता निश्चित है, क्योंकि जागरूक जनता के साथ ही लोकतंत्र सफल बनता है। ठीक है बच्चों, अब पढ़ेंगे उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों को अपना शासक चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि लोगों को अपना शासक चुनने का अधिकार हो और शासकों पर अपना नियंत्रण जो है बरकरार रहे। वक्त, जरूरत और इन चीजों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने में सक्षम होना चाहिए, ताकि लोगों के प्रति जिम्मेवार सरकार बन सके और सरकार लोगों की जरूरतों और उम्मीदों का ध्यान रख सके। लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार ही लिए जाएं, और अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसला जो लिए जा रहे हैं उसमें नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, तो वह इसका पता भी लगा सकता है। उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार होता है, बल्कि उसके पास इसके शासन भी उपलब्ध हैं। इसे पारदर्शिता कहते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से लोकतंत्र में जब आपको जवाबदेही, आपके सामने आपको क्वेश्चन करने की आज़ादी होती है, आपको प्रश्न पूछने की आज़ादी होती है, सरकार से सवाल जवाब करने की आज़ादी होती है, और कुछ भी छिपाने की उसमें जरूरत नहीं होती, सब कुछ क्लियर होता है, तो वही क्या होती है, वो पारदर्शिता होती है। जब आप सरकार से पूछ सकते हैं कि आपने ये कानून पास किया है, वो कायदे कानून कौन से, किस कानून के हिसाब से आपने ये चीज़ पास की है, तो ये सब क्या है, इसमें जब हम जवाबदेही कर सकते हैं तो वो क्या कहलाती है, पारदर्शिता, बिल्कुल क्लियरिटी। ये चीज़ें अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती, अतः लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होता है जो कायदे कानून को मानती हैं और लोगों के प्रति जवाबदेह भी होती हैं। नियमित चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं
ज्यादा सफल हुई हैं, परंतु ऐसे चुनाव कराने में जिसमें सबको अवसर मिले अथवा हर फैसले पर सार्वजनिक बहस कराने के मामले में उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है, ज्यादा अच्छा रहा है। तो बच्चों, कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की तुलना, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की तुलना तानाशाही से करते हैं, तो उसमें ज़्यादा बेटर तरीके से जो निखर के आती है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, क्योंकि उसमें आपके पास हर तरीके की अपॉर्चुनिटी होती है, हर तरीके के राइट्स होते हैं, जबकि तानाशाही शासन व्यवस्था में आपके पास ये अधिकार आपके पास मौजूद नहीं होते हैं। लोकतांत्रिक सरकारों से उम्मीद की जाती है कि वे लोगों की जरूरतों और मांगों का ध्यान रखेंगी और कुल मिलाकर भ्रष्टाचार से मुक्त शासन प्रदान करेंगी, परंतु इन दोनों मामलों में भी लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं है। आए दिन हम सुनते हैं कि आपके ये घोटाला हो गया, चारा घोटाला हो गया, आपके कोयला घोटाला हो गया, मतलब हम ये जो भ्रष्टाचार की खबरें हैं सुनते रहते हैं अक्सर न्यूज़ में। तो यही कारण है कि लोकतांत्रिक सरकारें जो है भ्रष्टाचार को अभी तक खत्म नहीं कर पाई हैं। इन मामलों में इनका रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं है, फिर भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासनों से बेहतर है, क्योंकि यह वैध शासन व्यवस्था है, यानी कि ये लीगल शासन व्यवस्था है, एक तरीके से कानूनी रूप से वैध है। जो तानाशाही शासन व्यवस्था होती है उसमें किसी को भी इतने राइट्स नहीं मिलते हैं, इतनी आज़ादी नहीं मिलती है कि वो अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सके, परंतु लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम ऐसा कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे आर्थिक समृद्धि और विकास। अगर हम 1950 से 2000 के बीच के सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाहियों के कामकाज की तुलना करें तो पाएंगे कि आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड ज़्यादा बेहतर है। उच्चतर आर्थिक समृद्धि हासिल करने में लोकतांत्रिक शासन की यह अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण है, परंतु मात्र इस कारण से लोकतंत्र को खारिज नहीं किया सकता, आप लोकतंत्र को बेकार जज नहीं कर सकते। आर्थिक विकास कई कारकों जैसे कि देश की जनसंख्या के आकार, कि देश की पॉपुलेशन कितनी है, वैश्विक स्थिति, उसका वर्ल्ड लेवल पर रिकॉर्ड कैसा है, अन्य देशों से सहयोग और देशों द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर भी निर्भर करता है। कई बार एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है बोर्ड के एग्जाम में कि आर्थिक समृद्धि या विकास किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में अंतर भले ही ज्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है, क्योंकि इसके अनेक सकारात्मक फायदे होते हैं। ठीक है, हमने देखा है कि देखो, चाइना इंडिया से कुछ ज्यादा ही प्रॉस्पर हो सकता है, लेकिन वहाँ पर जो फ्रीडम होगी वो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की कंपैरिजन में इतनी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे पार्टी क्या होती है, एक ही पार्टी होती है, औरों को तो और किसी पार्टी को इतना मौका नहीं मिलता, ना ही कोई दूसरी पार्टी होती है, एक ही पार्टी का दबदबा रहता है। तो एक ही पार्टी से व्यक्ति की सारी जरूरतें पूरी नहीं कर पाती एक ही पार्टी। तो मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि लोकतांत्रिक व्यवस्था हर मामले में बेहतर है। ये अगर मान लो उसके कुछ नुकसान है तो बहुत ज़्यादा फायदे भी उसके हैं। अगर वो भ्रष्टाचार को कम नहीं कर पा रही है, इसमें कहीं ना कहीं जनाधार का भी दोष है, क्योंकि जनता अगर जागरूक होगी तो भ्रष्टाचार के मामले अपने आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार लोगों के प्रति ही जवाबदेही होती है। ठीक है बच्चों, अब पढ़ेंगे असमानता और गरीबी में कमी। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से उम्मीद की जाती है कि वे आर्थिक असमानता को दूर करेंगी और या फिर कम करेंगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा तो मिल जाता है, परंतु इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानता को भी बढ़ता हुआ पाते हैं। समाज के सबसे निचले स्तर के लोगों का जीवन बसर इतना गिरता जा रहा है कि भोजन, कपड़ा और मकान, शिक्षा और इलाज जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की, बुनियादी जरूरतों को पूरी करने में भी मुश्किलें अनुभव करते हैं। वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई हैं। हालांकि लोकतंत्र व्यवस्था में उम्मीद की जाती है कि वो आर्थिक समानता लेकर के आएगी और देश में जो गरीबी है उसको कम करेगी। ठीक है, सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य, सामंजस्य का मतलब होता है तालमेल पैदा करना, एक तरीके से सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। लोकतांत्रिक व्यवस्था अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती है। बेल्जियम में हमने देखा कि किस तरह उसने विभिन्न जातीय समूहों की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया।
कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकरावों को पूरी तरह और स्थायी रूप से खत्म नहीं कर सकता, परंतु इनके बीच सामंजस्य विकसित कर सकते हैं। यानी कि हम पूरी तरीके से तो उसे खत्म नहीं कर सकते सामाजिक विविधताओं को, सामाजिक विविधता में जो झगड़े मौजूद होते हैं हम उन्हें पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते, परंतु हम ये पॉलिसीज तो अपना सकते हैं कि उनके बीच सौहार्द की भावना, सद्भावना पैदा कर सके, उन्हें एकजुट कर सके, ये तो हम कर सकते हैं। तो परंतु इनके बीच सामंजस्य बैठाने के जो तरीके हैं वो हम विकसित कर सकते हैं। इस काम में लोकतंत्र सबसे अच्छा है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपनी अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंखें फेर लेती हैं या उन्हें दबाने की कोशिश करती हैं। तो बच्चों, इस प्रकार सामाजिक अंतर, विभाजन और टकरावों को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक बड़ा गुण है। ठीक है, तो अतः कुछ भी कह लीजिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं तानाशाही शासन व्यवस्था से कहीं अधिक बेहतर है। लोकतंत्र में नागरिकों की गरिमा और आजादी, व्यक्ति की गरिमा और आजादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफी आगे है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है, हर कोई चाहता है, आप भी चाहते होंगे, हम सभी चाहते हैं कि हमें दूसरे दूसरे से क्या मिले, रिस्पेक्ट मिले। अक्सर टकराव तभी पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया है। अब एक माल बात ले लेते हैं, एक रिलीजन को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, उसकी ज़्यादा उसके धर्मों की ज़्यादा बड़ाई कर रहे हो और दूसरे की आप आलोचना कर रहे हो, तो उस दूसरे धर्म की आलोचना जिसकी आप कर रहे हो तो उसको कितना बुरा फील होगा, उसके अंदर भावनाएं कैसी आएंगी। तो आप इसी चीज़ से अंदाजा लगा सकते हैं बच्चों कि सम्मान की भावना सबसे बड़ी होती है। हर किसी का अपना अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, कोई किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो। गरिमा और आज़ादी की चाह की ही लोकतंत्र का आधार है। जी हाँ, स्त्रियों की गरिमा का ही उदाहरण लें, दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान समाज रहे हैं। महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर यह माना जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की जरूरी शर्त है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि काफ़ी टाइम से हमारे समाज में महिलाओं पर दबदबा रखा गया है, घर की चार दीवारी में उन्हें कैद करके रखा गया है, उनसे टॉर्चर, हर तरीके की जो उत्पीड़न होता है हम देखते हैं अक्सर अपने आसपास। परंतु आज वो पैट्रियार्की समाज धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे है। पूरी तरह से तो नहीं हुआ है, लोगों की सोच अभी भी कहीं ना कहीं है, पर फिर भी जो एक बदलाव की किरण है वो तो दिखाई दे रही है। ठीक है बच्चों, तो ये एक एग्जाम्पल है। अलोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बात संभव नहीं थी क्योंकि वहां व्यक्तिगत आजादी और गरिमा ना तो संवैधानिक रूप से मान्य है और ना ही नैतिक रूप से। यही बात जातिगत असमानता पर भी लागू होती है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कमजोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के लोगों के समान दर्जे और समान अवसर के दावे को बल दिया है। यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर कम्युनिटी को समान रखा गया है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, सबको बराबरी ट्रीट किया जाएगा। लोकतंत्र से लगाई गई उम्मीदों को किसी लोकतांत्रिक देश के मूल्यांकन का आधार भी बनाया जा सकता है। लोकतंत्र की खासियत है कि इसकी जांच परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। शिकायतों का बने रहना भी लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है। अक्सर आपने देखा होगा कि पार्टी कितना भी अच्छा काम कर रही होती है, अक्सर हम यही दोष देते हैं कि अच्छा काम नहीं कर रही है, ये कमी रह गई, वो कमी रह गई। तो इन समस्याओं का तांता हमेशा लगा रहता है। तो कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो असफलताएं हैं, कहीं ना कहीं ये जो शिकायतें हैं, सॉरी, जो शिकायतें जो बनी रहती हैं लोगों के अंदर, ये लोकतंत्र की सफलता की भी गवाही देती हैं। अतः से पता चलता है कि लोग सचेत हो गए हैं और वे सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का आलोचना मूल्यांकन करने लगे हैं। जब लोगों की कमेंट्स आती हैं गवर्नमेंट के प्रति, लोगों की शिकायतें आती हैं, आलोचनाएं आती हैं, तो इसका मतलब ये चीज़ क्या इंगित करती है, क्या इंडिकेट करती है बच्चों? ये इंडिकेट करती है कि आज का समाज, आज का आधुनिक व्यक्ति जागरूक हो चुका है। सरकार कुछ भी करे, इसका मतलब ये नहीं कि जनता चुपचाप देखती रहेगी। जनता देख रही है, लेकिन कब तक? जब तक उसके 5 साल पूरे नहीं हो रहे गवर्नमेंट के। क्योंकि जब 5 साल के बाद, हमारे लोकतंत्र व्यवस्था है कि जब 5 साल के बाद जब दोबारा चुनाव होते हैं,
तो जनता उस टाइम उस सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को ध्यान में रखती है, उसने जो जो उस जनता में किया है, जो जो उसने काम किए, उन सब कामों को वो याद रखती है, उसने क्या क्या गलतियां की हैं उन सब को जनता उस टाइम याद करती है चुनाव के टाइम पे, और उन्हें हरा करके वो अपनी ताकत को दिखाती है। तो बच्चों ये होती है लोकतंत्र की ताकत। ठीक है, तो बच्चों हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। प्लीज डू सब्सक्राइब, कमेंट एंड डू शेयर दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके स्टूडेंट्स।